अस्सलामु अलैकुम आदाब, हेलो, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। लास्ट वाले वीडियो में एक्चुअली हमने डिस्कस किया था हेडिंग जो एलिमेंट है, हेड टैग जो है, उसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं और कौन से बाकी टैग्स जो है जो विद इन द हेड एलिमेंट आ सकते हैं, क्या चीज़ें हम हेड एलिमेंट में डिफाइन कर सकते हैं। और ये भी हमने देखा कि जो हेड एलिमेंट है वो एक्चुअली बॉडी में डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे ब्राउज़र के काम आती है या सर्च इंजन के काम आती है या डिफरेंट स्टाइल जो भी हमने देखे थे। तो जो हमारा लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लास्ट वीडियो देखना चाहिए पहले, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था, उसी का डेमो पार्ट है। ठीक है, तो आज मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया है। ठीक है, यू कैन सी एक HTML पेज मैंने बनाया है। तो आई हैव डन दिस थिंग, आई हैव HTML एंड आई हैव हेड पार्ट एंड आई हैव बॉडी पार्ट। इन द बॉडी पार्ट मैंने क्या किया, मैंने एक H1 टैग जो कि हेडिंग है, हम हेडिंग के बारे में आगे इस कोर्स में जानेंगे, और एक पैराग्राफ टैग है यूजिंग द P। तो और यहाँ से आप देख रहे हैं इसका डिस्प्ले आ रहा है, ये जो हेलो देयर है और ये जो पैराग्राफ टैग है जो हमने यूज़ किया है। तो ये दो टैग्स एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये पेज जो है यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली हमें देखना है ये जो हेडिंग का टैग है, हेड टैग है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या वो एलिमेंट्स जो हमने लास्ट में एक्चुअली देखे, हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए, यहाँ पर उसका हम डेमो करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो ही मैंने इसको एक्सप्लोर किया, अपने हेड वाले टैग को मैंने इसको भी मिनिमाइज करके रखा था, तो एक्सप्लोर किया, तो ये हेड टैग यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैंने एक कमेंट यूज़ किया है। ठीक है, यू कैन यूज़ दिस स्टार्टिंग विद दिस थिंग एंड स्टार्टिंग एंडिंग विद दैट, दिस वी कैन यूज़ अ कमेंट बाय कमेंट, वी ऐड कमेंट्स इन अवर पेज टू डिस्क्राइब द थिंग्स, ताकि रीडेबिलिटी हमारी जो भी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये यहाँ पे हेड सेक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड इट एंड गोज टू दिस, क्योंकि हमने कल देखा था कि ये HTML स्टार्ट होने के बाद और बॉडी स्टार्ट होने से पहले हेड आता है। ठीक है, तो HTML के जो ही हमने HTML का टैग देखा है उसके बाद हेड टैग है, और बॉडी का टैग स्टार्ट करने से पहले हेड का टैग हमें क्लोज करना होता है, तो हेड टैग जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। तो इसके जो है इसके अंदर मैंने जो हमने कल डिस्कस की थी, मैंने वो पहले ही टाइप करके रखी टू सेव द टाइम बेसिकली। तो हम पहले देखेंगे, तो पहला हमने जो डिस्कस किया था कल कि हेड टैग में क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होता है उसमें टाइटल। ठीक है, द टैग इज़ टाइटल एंड टाइटल में हम एक टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माई फर्स्ट पेज, तो माई फर्स्ट पेज इज़ अ टाइटल, तो ये टाइटल एक्चुअली विद इन द बॉडी, तो हेड टैग का कोई भी एलिमेंट विद इन द बॉडी डिस्प्ले नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ों का इफेक्ट आता है बॉडी में, लेकिन इसका जो हम ये लिखते हैं ये एक्चुअली मेटा डेटा होता है, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डेटा होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई फर्स्ट पेज टाइटल में, तो जैसे हमने कल डिस्कस किया ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जब आप देख रहे हो इस वाले आउटपुट वाले पेज में ब्राउज़र में लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ऊपर में आ रहा है माय फर्स्ट पेज। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूँ, मैं लिखूँ माय फर्स्ट टाइटल, ठीक है, सेव करूँगा, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ गया, हमें यहाँ पे देख रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड पे टाइटल चेंज हो रहा है, टाइटल पे आ रहा है लिख के माय फर्स्ट टाइटल। ठीक है, जो यहाँ पे, तो इसका मतलब जो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे वो ऑब्वियसली टाइटल हमारे ब्राउज़र के टाइटल बार पे आ जाएगा। ठीक है, बॉडी में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, बॉडी में ये टेक्स्ट नहीं दिखेगा। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टाइल पार्ट। ठीक है, तो स्टाइल, तो CSS हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कास्केडिंग स्टाइल, तो इसके ये तो एक इस कोर्स में आगे देखोगे भी स्टाइल्स कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने इसका एक डेमो किया है। सपोज देखो, मैं अगर इस चीज़ को कुछ देर के लिए हटा देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर अभी जो इस वाले पेज में कुछ चीज़ें सी, देखो ये एक यहाँ पे कलर कुछ और था, बॉडी का कलर कुछ और था यहाँ पे, तो वो सारा का सारा हमें जो चीज़ें हैं वो हट गई, और यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें आती हैं वो आ गई। तो अगर मैं इन चीज़ों को वापस
अंडू करता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ, मैंने स्टाइल किया है यहाँ पे, बॉडी का स्टाइल किया है। सिर्फ बॉडी में मैंने रखा बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू, एंड H1 जो मेरे पास यहाँ पे टैग है इसका रेड कलर रखा, और P जो मेरे पास एक और टैग है, ये जो बॉडी में है यहाँ पे, ये H1 और ये पैराग्राफ टैग, हेडिंग 1 और पैराग्राफ टैग, ये जो है इनका मैं कुछ कलर दे रहा हूँ, और बॉडी का भी मैं कलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो ही इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ें हमें वापस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन स्टाइल और टाइटल के बाद हमारे पास एक और चीज़ स्टार्ट होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लिंक। लिंक से हम क्या करते हैं, लिंक से हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, जो हमने अभी यहाँ पे स्टाइल किया, ये इंटरनल स्टाइल है, यानी ये खाली इसी पेज पे अप्लाई होगा, ये इंटरनल स्टाइल है। अगर हम एक स्टाइल शीट पहले ही बना के रखें, जो हम आगे इंशाल्लाह इस कोर्स के आगे वीडियो में करेंगे, स्टाइल्स पहले ही बना के रखें और उनको सेव रखें एक फाइल में, ताकि जितने भी मेरे पेज हो मैं उनको वहाँ पे अप्लाई करूँ। तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया है, तो इसको कैसे करते हैं, उस वाली पेज को या उस वाले उन स्टाइल्स को कैसे फिर लिंक करेंगे विद दिस पेज या विद एनी पेज। तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक चीज़, हम उसको बोलते हैं लिंक, लिंक टैग। तो उसको हम बोलते हैं जो रेफरेंस है यहाँ पे स्टाइल शीट की है, एंड देन HREF कि कहाँ पे है वो, उसका नाम, जैसे मैंने उसका नाम रखा है माई स्टाइल डॉट CSS। हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, डॉट CSS मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, देन उसके बाद क्योंकि हम अभी कोई एक्सटर्नल शीट यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सिंपली इससे हमें कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ये बस डेमो है। देन वी हैव द मेटा इन्फॉर्मेशन। द मेटा इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इज वी आर यूजिंग कैर सेट, इस कैरेक्टर सेट हम यूज़ कर रहे हैं, UTF-8 का कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर UTF-8 कैरेक्टर सेट यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट वट UTF-8 कैरेक्टर सेट इज, वट आर द डिफरेंस उसमें डिफाइन की गई है और कैसे यूज़ होती है ये चीज़ है। एंड देन वी हैव अनदर थिंग एज मेटा में एक और है नेम डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली अबाउट द कंटेंट दैट यू आर यूजिंग इन योर वेब पेज और वेबसाइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑनलाइन यूट्यूब वेब कोर्स। तो जो भी आपका आपके वेबसाइट में जो भी कंटेंट होगा तो उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। दिस इज़ मोस्टली एक्चुअली यूज बाई द ऑल्सो जो आपके सर्च इंजन, जो आप गूगल में सर्च करते हो, कोई सपोज कोई सर्च करेगा फॉर ऑनलाइन यूट्यूब वेब कोर्स, तो पॉसिबल है कि गूगल इस वाले पेज को भी इंडेक्स करे, सर्च करे। देन अनदर थिंग इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर क्लियरली, क्योंकि हम जब सर्च करते हैं वी डोंट एक्चुअली गिव द फुल वेबसाइट, मोस्टली हमारे हमें पता नहीं होता हमें कौन सी वेबसाइट पर जाना है, तो हमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कोई सर्च करेगा HTML CSS वेब डेवलपमेंट, तो मैंने वो कंटेंट यहाँ में रखा है, अगर ये कीवर्ड सर्च हुए तो मेरे वाले पेज को रेफर है गूगल या बाकी सर्च इंजन कर सकते हैं। मेटा में एक और टैग है हमारे पास ऑथर, जो हमने कल देखा था। तो ऑथर डिफाइंस के इस पेज का जो ऑथर है या इस वेबसाइट का जो ऑथर है वो कौन, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है। तो दिस वॉज सम मेटा टैग्स। वी हैव मोर मेटा टैग्स ऑल्सो, हमारे पास वी पोर्ट है, हमारे पास एक्यूरेफ्रेश है, वो एक दो और है जो हम आगे देखेंगे, वो हम आगे यूज़ करेंगे, तो वो हम उस टाइम पे इन द लेटर इन द कोर्स, इस कोर्स में जो बाकी वीडियोज आप देखते रहेंगे तो उसमें आ जाएगी। देन वी हैव द स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट हमने कल देखा कि ये जावा एक स्क्रिप्टिंग एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो हम अपने ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं, अपने पेज में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसी की एक डेमो है स्क्रिप्टिंग के लिए। आप मेरे दूसरा जो चैनल में जावास्क्रिप्ट का देख सकते हो, या कहीं और से जावास्क्रिप्ट का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, हम अभी इस वाले कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट ज़्यादा डिफाइन ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। देन वी हैव दिस बेस एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बेस, इसका टैग है, और यहाँ पे मैंने लिखा है HREF कि क्या है मेरा बेस एड्रेस। सपोज मैं इमेज के लिए एक बेस एड्रेस बनाना चाहता हूँ, फिर मैं रिलेटिव एड्रेस दूंगा, तो बेस मैंने बता दिया है, तो बेस एड्रेस जो है इसका वो है माई वेबसाइट, अगर मेरे वेबसाइट का नाम माई वेबसाइट होगा जो भी होगा, तो स्लैश इमेज। तो ये मैंने इसमें दे दिया कि पहली जो इमेज है
वो कहाँ पे है, तो उनको टारगेट कहाँ पे करना है, ठीक है। तो मेरे अब सपोज मैंने अपनी वेबसाइट का बेस एड्रेस दे दिया है, जो भी आपका वेबसाइट का बेस एड्रेस हो वो आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आप जो भी यहाँ पे भी आपको यूज़ करने हो, ये एड्रेस आपको यूज़ करना, आप फिर रिलेटिव एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। सपोज माय यहाँ पे मैं एक एड्रेस बोल रहा हूँ माय वेबसाइट स्लैश इमेज, कहीं पर अगर आपको यूज़ करना तो आप सीधे स्लैश सपोज स्लैश CSS कर सकते हो, स्लैश स्क्रिप्ट कर सकते हो। इसका मतलब जो आप पहले ही बता रहे हो कि बेस जो है, बेस एड्रेस आप देख लो मेरी माय वेबसाइट जो मैंने बेस एड्रेस दिया है, वहाँ से आप इसको रिलेट करो फिर, ठीक है, यानी सब फोल्डर उसमें देखो। एंड हियर वी आर एंडिंग दिस हेड सेक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हेड सेक्शन ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, हमारे पास आ जाता है फिर बॉडी, और बॉडी में हमने यहाँ पे दो टैग्स यूज़ किए हैं, एक तो H1 हेडिंग टैग, इनके बारे में हम और आगे जाने की आगे आने वाली वीडियोस में, एंड देन वी हैव अ पैराग्राफ टैग, एंड देन आफ्टर दैट बॉडी एंड्स एंड हियर एंड एट द एंड HTML एंड्स, ठीक है। तो ये जो था कल के जो हमने डिस्कस किया था डिफरेंट, हमने इन चीज़ों के बारे में कल बिल्कुल डिटेल में देखा कि कौन सी चीज़ का क्या डिफिनीशन है और वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। आज इनका एक डेमो हो गया यहाँ पे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इसका पेज का आउटपुट ये हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमें एक ऑप्शन आती है, अगर मैं ब्राउज़र पे राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पेज देखूं, तो सोर्स पेज का मतलब ये जो इसका सोर्स है जो हमने टाइप किया तो वो दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है HTML, ऊपर डॉक टाइप, फिर लैंग का HTML जो हमने लिखा था, वो सारी का सारा जो कोड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जो इसका सोर्स है यानी जो उसका एक्चुअल बैकग्राउंड में कोड लिखा गया है सारा, वो ये है, लेकिन डिस्प्ले हमें खाली इतना ही हो रहा है, ठीक है, डिस्प्ले इतना ही हो रहा है। ये जो सारा ये हेड सेक्शन में हमने लिखा था, इसमें डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा है सिवाय टाइटल के, जो टाइटल हमें यहाँ पे ऊपर ब्राउज़र पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो था अबाउट द हेड एलिमेंट है, हेड एलिमेंट में हमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से हम हेड में अपने स्टाइल देते हैं, टाइटल ऑफ द पेज और मेटा डेटा बाकी डिस्क्राइब करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम अपने कंटेंट पे आ जाते हैं, यानी बॉडी पे आ जाते हैं, और हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट टैग्स जो हम बॉडी में यूज़ कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि पहले सारे टैग्स को डिफाइन करने की और सारे टैग्स को समझने की यूज़, फिर हम एक कंप्लीट वेब पेज बनाएंगे, ठीक है। तो कीजिए सब्सक्राइब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। खुदा हाफ़िज़।